तो चलो बच्चों देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेसिकली ये एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन है और आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। कहता है व्हेन सिलिकॉन एस आई इटॉप इट बोरन, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, और बोरन के कितना है? 3। तो जब ट्राई वैलेंट से सिलिकॉन में डॉपिंग करेंगे तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा और एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट हो जाता है। और पी टाइप मतलब एक्सेस ऑफ होल, तो एक्सेस ऑफ होल जनरेट हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ होल की वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है आपको? समझ में आ रहा होगा। चलो जब अर्सेनिक से इसी सिलिकॉन को किसे डॉप करोगे भाई? अर्सेनिक से। तो जब अर्सेनिक से डॉपिंग करोगे तो अर्सेनिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? सॉरी यार, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन गलत है, और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो सेकेंड बात करो। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप फ्यूज, जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप वाला है, एन टाइप के साथ मिलाया जाता है, समझ रहे ना, तो ये एन टाइप है और एन टाइप के साथ मिलाया जाता है, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, और ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर चार्ज पार्टिकल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते। दे कैन नॉट मूव, मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ से जो होल है वो इधर नहीं जा पाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं आ पाएंगे। ओवरऑल अगर अभी बैटरी नहीं कनेक्ट है और एमीटर कनेक्ट करोगे तो नेट इक्विलिब्रियम पर नेट करंट कितना मिलेगा, इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 0 आएगी भाई। ठीक है, तो विल एक्सटर्नली कनेक्ट एमीटर, तो क्या जो डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है वो एमीटर की रीडिंग से मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा यार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकेंड गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। तो बेसिकली को इसका डिटेल जानना है तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप कमेंट करो, मैं थ्री वाला वीडियो बनाऊँगा तो आप बेहतर तरीके से वहाँ 3D डायग्राम के साथ समझ पाओगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।